फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मराठी लुक, जो कि आप गणेश चतुर्थी पर या किसी फेस्टिवल पर अगर मराठी स्टाइल से रेडी होना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल वे के साथ। हेयर स्टाइल से लेकर एक्सेसरीज और मेकअप से लेकर कपड़े तक सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। उससे पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ मीनू और फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सिद्धि टिप्स पर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेडबैंड लगा दिया है ताकि मेरे हेयर हैं जो मुझे डिस्टर्ब ना करें। फिर मैंने ये लिया है फेस मिस्ट, इसको ऑल ओवर फेस पे स्प्रे कर लिया है। ये गुड वाइब्स का फेस मिस्ट है, बहुत अच्छा है, अच्छे से रिफ्रेश कर देता है आपकी स्किन को। इसके बाद मैंने ये लिया है गुड वाइब्स का 3-in-1, इसमें सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तीनों हैं, तो एक साथ ही आपका स्किन केयर हो जाता है। तो अच्छे से मैंने ऑल ओवर फेस एंड नेक पे से लगा लिया है। इसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइम ये है स्टे क्विकली का प्राइमर, और ये बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, मतलब कि जिनकी ऑयली स्किन है मेरी तरह उनके लिए परफेक्ट है। तो अच्छे से लगा लिया जहाँ जहाँ ओपन पोर्स हैं मेरे फोरहेड और टी जोन एरिया पर मोस्टली, और हल्का सा लेकर मैंने आईज पे भी लगा लिया है। इसके बाद मैंने कलर करेक्टर लिया है, और इसमें पी शेड है, जो क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, हल्का फुल्का ही है, तो मैंने थोड़ा सा पीच शेड लेकर और इसे अपने अंडर आई एरिया पर लगाकर फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया। हल्का सा मैंने अपने चीक्स पे लगा लिया, वहाँ पर मुझे हल्की सी पिगमेंटेशन थी, हल्की सी माउथ के अराउंड, तो फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम, ये मैंने NYV की ली है, ये मतलब कि आप कंसीलर की तरह यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन की तरह यूज कर सकते हैं, स्टिक है ये, और ये मैंने अच्छे से ऑल ओवर फेस एंड नेक पर लगा लिया। इसके बाद मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, और इसको इस तरह से थोड़ा सा डैब डैब करते हुए आपको ऑल ओवर फेस एंड नेक पर इसे ब्लेंड कर लेना है। वेट है तो इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और एकदम नेचुरल फिनिश आपको देता है, तो आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करना चाहिए हमेशा। और इसके बाद मैंने ब्लू हेवन का कंसीलर लिया है, कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लेकर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पर और फिर फेस को अच्छे से सेट कर लिया था। और फिर मैंने लिया है एक पाउडर पफ और पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर, और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग की थी उसको अच्छे से मैंने बेक कर लिया है। इसके बाद आईब्रो पेंसिल ली है, ये भी स्टे क्विकली की डार्क ग्रे कलर की आईब्रो पेंसिल है। अगर आप मेकअप मतलब डेली का मेकअप कर रहे हैं तो ब्राउन लगा सकते हैं, लेकिन कभी एक मतलब किसी फेस्टिवल या वेडिंग फंक्शन में कर रहे हैं तो हल्का सा डार्क कलर का लगाइए, तो वो मेकअप के अनुसार बिल्कुल सेट बैठता है। अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लाइट कलर की आईब्रो फिल करती तो वो उतनी खास नहीं लगती। फिर मैंने जो बेकिंग की थी उसे डस्ट आउट कर दिया। इसके बाद मैंने ये मुझे मेरा ब्राउनजर मिल नहीं रहा था, तो मैंने आई शेडो पैलेट से लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने हल्का सा फोरहेड पे और चीक्स पे ब्राउनजर लगा लिया है। मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा है तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद मैंने साड़ी से मैच करते ही थोड़ा हल्का सा मतलब रेड शेड में हल्का सा टच है वो मैंने लेकर ब्लश अच्छे से लगा लिया था अपने चीक बोन्स पर। इसके बाद आईज़ पे कंसीलर लगाया, फिर इसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर दिया था, थोड़ा सा लाइट शेड लिया है और इसे इनर और आउटर कॉर्नर पे लगाया आईज़ के आई शेडो को, फिर एक फ्लैपी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया क्रीज एरिया तक लगाते हुए। फिर डार्क ब्राउन शेड लिया है, फिर उसे आउटर वी की साइड लगाकर उसे वहीं पर ब्लेंड कर लिया है। फिर थोड़ा सा रेडिश शेड में लिया है, उसे मिडल में लगाया था, और फिर इसके बाद मैंने लिया था गोल्डन शिमर शेड और फिंगर की हेल्प से उसे मतलब आई लीड पे मैंने लगा लिया था। फिर लिया मैंने लाइनर और इसको भी अच्छे से लगा लिया था, विंग आई लाइनर क्रिएट किया था। फेसेस कनाडा का मस्कारा लिया है और इसको अच्छे से लगा लिया, इससे पहले मैंने आई लैसेस को कल भी कर लिया था। लैकमे का काजल लिया है, अच्छे से लोअर और अपर वाटर लाइन पे लगा लिया है। फिर मैंने फिर से आई शेडो लिया, पहले डार्क ब्राउन शेड को स्मच किया था, फिर इसके बाद ऑरेंज शेड को स्मच किया था, और इसके बाद फिर मैंने माई ग्लेम की ये लिप लाइनर ली है, अच्छे से लिप्स को आउटलाइन कर लिया है। तो मैंने आईज़ का मेकअप लाइट ही रखा है, तो मैं रेड कलर का शेड लगा रही हूँ लिपस्टिक पर। अगर आपने आईज़ का मेकअप डार्क कर रखा है तो न्यूड शेड आप लगा सकते हैं, तो मैंने ये रेड शेड ब्लू हेवन का लगाया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा कंसीलर फिंगर से पहले ब्लेंड कर लिया था, फिर थोड़ा सा कंसीलर है जो नीचे वाले लिप्स पर मिडल में लगा लिया था, हल्का सा शेक मतलब अच्छा सा टच आ जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क आपके लिप्स नहीं लगते हैं। फिर मैं बिंदी हैक करूँगी, तो इसके लिए आपको एक बड़ी मराठी स्टाइल में बिंदी बनाने वाली हूँ मैं, तो बड़ी बिंदी लेना है, इस तरह से बीच से कट कर देना सीजर की हेल्प से। इसके बाद इसे ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आप इसे लगा लीजिए, तो एकदम से अगर आपके पास मराठी बिंदी नहीं है तो इस
तरीके से आप लगा सकते हैं हैक करके। इसके नीचे चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर की थोड़ी सी लाइनर की हेल्प से बिंदी लगा ली है। फिर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके मैंने हल्का सा शेड कर लिया अपने फेस पे, और नेक पे भी लगा लेना। और इसके बाद सेटिंग स्प्रे लेकर इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर पर टैप करके पूरे फेस को सेट कर लिया है। करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरह। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपनी हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले मेटल पार्टीशन करके मैंने इस तरह से अच्छे से ड्राई सिंदूर लगा लिया था। और इसके बाद फिर थोड़े से हेयर लेने हैं, एक क्लचर से नॉर्मली सिक्योर करने। पीछे के सारे हेयर जो क्राउन एरिया की तरफ आते हैं उनको हल्का सा उठाते हुए इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेना है। फिर जो दोनों साइड के हेयर थे एक लेयर लेनी है, इस तरह से थ्री पार्ट में डिवाइड करनी है, और जैसे नॉर्मली ब्रेड बनाते हैं उस तरह बनाते जाना है, और आगे से एक एक लेयर लेकर उसमें ऐड करते जाना है। तो मैंने ईयर तक इस तरह से कर लिया है, तो करते जाना है। और करने के बाद एक छोटी सी मैंने लट निकाल ली है और पीछे आगे सिक्योर कर दिया है। सेम दूसरी साइड मैंने कर दिया है। और ये मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी ताकि मतलब बहुत लेंथी हो रही थी वीडियो। तो इसके बाद फिर एक रबड़ बैंड लिया है, उसको अच्छे से मैंने पौनी लो पौनी में ही करके इस कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद फिर टू सेक्शन डिवाइड करके एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते हुए नीचे ब्लैक रबड़ बैंड से सिक्योर कर देना। इस तरह से हल्के से हेयर को पुल कर देना है ताकि जो आपकी चोटी है वो भरी भरी लगे, एकदम से हैवी वाला बन इस बनकर रेडी होता है। फिर रैप कर दिया है। रैप करने के साथ साथ यू पिन अच्छे से सिक्योर करते जाना है आपको। करने के बाद अब मैंने इस तरह से एक गजरा लिया है। आप चाहें तो फेक मतलब असली वाला गजरा भी ले सकते हैं, पर मेरा ये नकली गजरा है, पर फीलिंग पूरी असली वाली ही देता है। गाइज मैंने ये जो नोज़ रिंग है स्पेशली गणेश चतुर्थी की वीडियो बनाने के लिए ही मंगाई थी, पर मेरी मतलब मुझसे मिस हो गया। मुझे बाद में याद आया मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, पर इसे भी मैं पहनती तो बहुत अच्छा लगता। मुझे बिल्कुल एंड में याद आया जब तक मैं अपनी साड़ी ज्वेलरी सब उतार चुकी थी। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। तो प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।